हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे चैनल पे आप सभी को बेहतरीन देने के लिए हमेशा से प्रयास किया जाता रहता है, जिसका रिजल्ट आज ये है कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है आज से, और वो भी बिल्कुल फ्री होगी। और किसके लिए होगी वो? जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती है, जिसे मैथमेटिक्स से डर लगता है। जैसा कि मानना होता है लोगों का कि यार सारा सब्जेक्ट तो मेरा अच्छे से हो जाता है, पर मैथमेटिक्स में क्या होता है कि उसमें अगर अच्छे नंबर स्कोर हो जाएं तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो मेरा निकल जाए। तो आप सभी को अब बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक से। हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो लेवल से। जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को एकदम बेसिक से, ठीक है? तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को इसमें कवर किया जाएगा। एक भी एग्ज़ामिनेशन आपके ऐसे नहीं होंगे जिसके ये मैथ्स में ये टॉपिक नहीं आते होंगे। तो पहले हम मैथमेटिक्स को थोड़ा बेसिक से बताएंगे। बेसिक से बताने के बाद जितने हायर लेवल तक जाएगा उस लेवल तक लेकर के जाएंगे, उसके बाद ही उस टॉपिक को एंड करेंगे। इससे कि क्या होगा, जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती है वो भी समझ पाएगा, और जिसको आती है उसके लिए ट्रिक होगा। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमें लेंथी मेथड से नहीं करना होता है, हमें ऐसा मेथड चूज़ करना है जिससे हमारा टाइम बचे, पेपर इजी से हो पाए और जल्दी से हो पाए, औरों के मुकाबले हम लोग अच्छे से कर पाएँ, पेपर को जल्दी कर पाएँ, ठीक है? तो यही सब सोच समझ के हम लोगों ने ये मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट हुई है, और आज से ये मैथमेटिक्स का वीडियो डेली आपको जाने वाला है। जिसको भी मैथमेटिक्स में डर लगता है वो प्लीज़ आज से वीडियो देखना स्टार्ट करे, और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसको मैथमेटिक्स में डर लगता है। इनफैक्ट उनको ज़रूर बताइए कि देखो इसको स्टार्टिंग से, ज़रूर तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी लास्ट में। और एक बात और बता दें, उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी टॉपिक होंगे पहले हम उनको कवर करेंगे, उनको कवर करने के बाद इसमें प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि अभी हमने वीडियो पढ़ाया, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस कराएं, आपको समझाया, ट्रिक समझाया, मेथड समझाया क्वेश्चन को लगाने का, जो एकदम बेसिक है वो भी थोड़ा सा बता देंगे, बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएँ वो भी बताएंगे। और उसके बाद ये सारा हो जाएगा, जब पूरी सीरीज हमारी हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट्स लेके आने की तैयारी में हैं। प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से क्या होगा, जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सभी आपको जल्दी से जल्दी कवर करवा दिए जाएंगे, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहेंगे कि जल्दी से आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए और आज ही से लग जाइए, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, आज हमारा पहला क्लास है। तो पहली क्लास में मैथ्स में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। तो आप लोगों को पहली क्लास में बता देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का सामान्य परिचय, ठीक है? तो संख्याओं के सामान्य परिचय से आज स्टार्ट करते हैं, और कल जीरो से स्टार्ट करेंगे। वीडियो देख के लगेगा जरूर कि जीरो से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है? कल का वीडियो आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे थे, वीडियो को जीरो से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, जीरो से ही एकदम स्टार्ट करेंगे। इसलिए यह सारा नंबर पढ़ाते हैं और कल जीरो से, ठीक, जीरो फिर उसके बाद वन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके? तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का सामान्य परिचय। पूरा वीडियो क्लियर आ रहा है, ठीक है? चलिए एक बार देख लेते हैं हम, ओके। अब इसमें पहला नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है, देखिए आप लोगों को बताते हैं, ऐसा समझाएंगे जिसमें कि बिल्कुल कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो प्रकृति से ही आई है। जैसे हम किसी से कभी गिनती पूछते हैं कि तुम टेबल सुनाओ या गिनती सुनाओ, ठीक है, काउंटिंग कैसी होती है काउंटिंग बताओ, तो वो स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे स्टार्ट करेगा, कोई भी जीरो से नहीं स्टार्ट करेगा। तो जो प्राकृति संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, वो हमेशा किससे स्टार्ट होंगी, वन से स्टार्ट होंगी, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती करने के लिए होता है, काउंटिंग करने के लिए होता है या ऑर्डरिंग करने के लिए होता है, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं।
अभी ये बात हुई नेचुरल नंबर्स तो हो गया, नेचुरल नंबर के बाद ये होल नंबर का क्या सिस्टम है, पूर्ण संख्या कहाँ से आई? देखिए अब प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक हो गई थी। अब इसके बाद गिनती यहीं पे आके रुक गई। गिनती को आगे बढ़ाया कैसे जाए, इसके लिए क्या हुआ कि जीरो की फिर खोज की गई। अब जीरो की खोज कहाँ की गई, कैसे आया, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस हम आपको कल वाले वीडियो में बताएंगे जिसमें जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो देखिए अब इसके बाद जीरो स्टार्ट हुआ, जीरो हुई आने से संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें जीरो हो जाए और उसके बाद सारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएं, उसे बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर्स में क्या क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर में क्या था, काउंटिंग अधूरी थी। मतलब हम लोग ये जो काउंटिंग कर रहे थे, ये काउंटिंग हम लोग कर रहे थे 1 से लेके 9 तक, पर आगे संख्याएं बनानी हो रही थी तो संख्याएं क्या थी, अधूरी थी। अब इसके बाद हमको 10 नहीं मिल रहा था, फिर इसके बाद हम लोग 100 नहीं लिख पा रहे थे, जब हम लोग के जीरो आया ही नहीं था तो संख्याएं कुछ अधूरी सी थी। तो ऐसे समझ लीजिए कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या वो होगी जो जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि जीरो के आ जाने से हमारी संख्या जो है वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो जब हमारी संख्या पूर्ण हो गई तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो जीरो से स्टार्ट होती है संख्या। अब आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, तो ये पूर्ण संख्या, कितनी भी बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्याएं हैं ये सब, मतलब पूर्ण संख्या के आने के बाद ही, जीरो के आने के बाद ही ये सारी संख्या लिखा जाना संभव हो पाया, उसके पहले ये संख्या लिखी जानी संभव नहीं थी, ठीक है? तो पूर्ण संख्या में क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद जहाँ तक भी जा पाएंगे वो सब किस में आ जाएगा, पूर्ण संख्या में आ जाएगा। अब इसके बाद भाई देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याओं में आ जाएंगे। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी सभी धनात्मक ऋणात्मक शून्य संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर। सभी धनात्मक यानी कि सारे प्लस नंबर्स, सभी ऋणात्मक सारे नेगेटिव। देखिए जीरो है, जीरो के बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स इधर हो गए और इधर जीरो के साइड नेगेटिव नंबर सारे हो गए, यानी कि ऋणात्मक संख्या, ठीक है? तो सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, इन सभी को लेकर के जो संख्या बनी उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है? उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आप जितना भी पॉसिबल हो सकता है ना, जितना भी गिनती संभव हो सकती है उसको सोचिए, वो सब पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है? माइनस इन्फिनिटी से लेके, हम बस इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स में वही आएगा जो बटे में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, वो अभी सब आएगा इसमें। अभी हमने दशमलव की बात नहीं की है, बटे की बात नहीं की है, अभी हमने सिर्फ बताया है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके आगे जितना भी चले जाएंगे वो सब होल नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात की गई पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सभी आ जाए, वो संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो 0 + 1 इधर हो गया सारा, इधर नेगेटिव हो गया, तो इसकी कहाँ तक बाउंडेशन है, माइनस इन्फिनिटी यानी अनंत तक अगर हम देखेंगे, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनंत तक और इधर प्लस इन्फिनिटी, इन सभी के कलेक्शंस को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं प्लस माइनस एक्स कॉमा जीरो, यानी कि जैसे हमको मान लीजिए इंटीजर है प्लस माइनस 1, 0, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको, 0 + 1 - 1, ये भी क्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं हो गई, ठीक है? अब समझ लेते हैं सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होती है माइनस इन्फिनिटी। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बस इतना दे रहे हैं कि जिससे कि आप लोग समझ जाइए कि नंबर्स क्या होते हैं। आज के बाद जो वीडियो आएगा उसमें स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की सीरीज एकदम बेसिक तरीके से, जीरो से। बस आज आपको समझाना है कि नंबर्स, जिसको नहीं समझ में आता है नंबर समझ लीजिए प्लीज़, ठीक है? अब हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब बारी आती है परिमेय संख्या की यानी कि रेशनल नंबर्स की। तो वह संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है, वो संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें
उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी नंबर हो सकता है नीचे वाला। पी बटे में क्यू, ये ऊपर होता है अंश और ये होता है हर। जो हर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कहने का मतलब है हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बटे में जीरो, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अब हम कल जीरो को लेकर के आएंगे तो उसके बारे में सारा चीज़ बताएंगे कि क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि ये जीरो नहीं हो सकती है नीचे वाला नंबर। और तो ये समझ में आ गया, वो संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें उन्हें हम पूर्णांक परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसमें पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए परिमेय संख्या क्या क्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना 0/1, इसको तो 0/1 लिखी जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। -2/1 परिमेय संख्या, 7/3 परिमेय संख्या, 1/3 परिमेय संख्या, कोई भी आप संख्या जो पॉसिबल है ले सकते हैं, परिमेय संख्या ही सब होगी, ठीक। चलिए एक नोट यहाँ लिखा हुआ है, नोट को ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो समाप्त नहीं होती, और रेकरिंग नंबर क्या होता है, बार बार आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, परिमेय संख्या तभी आगे जो आएगा अपरिमेय संख्या उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रेकरिंग नंबर क्या होता है देखिएगा, मतलब बार बार रिपीट होगा। जैसे कि हमने मान लीजिए लिया 1/3, ठीक है, यहाँ पे लिया हुआ है नीचे देख लीजिए, 1/3 जैसे हमने लिया, अब इसको आप भाग दीजिए, 1/3 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.3333 आता जाएगा। तो 3 हमेशा रिपीट करता जाएगा, यानी कि रेकरिंग नंबर है ये। तो जो भी रेकरिंग नंबर हमको दिखेंगे वो भी परिमेय संख्या ही कहलाएंगे। किसी भी संख्या को अगर आप भाग देते हैं और भाग देने पर रेकरिंग नंबर आता है तो वो भी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक। और जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉइंट से एक ही बार में रिपीट होने लगे, कभी एक छोड़ करके उसके बाद से रिपीट होता है, जैसे इसमें 5 2 5 2 5 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है ये भी, ठीक। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे, अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसका ही रूल है, इसी की वजह से बताना पड़ा, अपरिमेय संख्या में एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हमको ये बताना पड़ा, ठीक। तो हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे जिससे कि इसके बाद कभी आपको ये वीडियो क्या हो कि हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। एक एक चीज़ नंबर से आपको क्लियर हो जाए ऐसा लेकर के चलना चाह रहे हैं, ऐसा समझाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि आपको अगला हमेशा कभी नंबर सब नहीं पढ़ना पड़े, नंबर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी आज ही है, आज क्लियर हो जाए। तो वीडियो को ज़रूर से देखिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को जिससे कि सभी तक ये नॉलेज पहुँच सके। सभी को बताइए कि मैथमेटिक्स आज से एकदम बेसिक से स्टार्ट हो गई है, जिसको जिसको करना है अच्छे से मैथमेटिक्स वो आज से ही लग जाए, ठीक। तो चलिए आपको अब देख के समझ में आ रहा होगा कि हमें ये ऊपर क्यों बताया, ठीक है। चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अपरिमेय संख्या में आप सभी ने सुना होगा √3 √5, ये सब तो अपरिमेय संख्या होती है, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जिसको पी बटे क्यू के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो सारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब देखिए इसको बताने का क्या मतलब था यहाँ पे, कि रेकरिंग नंबर होता है रेशनल नंबर और नॉन रेकरिंग होता है क्या, इरेशनल नंबर। कैसे, जैसे पाई का मान होता है 22/7, कहने को तो ये भी परिमेय संख्या थी क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती थी, ठीक है ना। एक तरह से तो हम लोग मान सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में लिखी है, पर क्या हुआ ऐसा कि इसको परिमेय संख्या में ना रख करके अपरिमेय संख्या बना दिया गया। इसका बस एक ही वजह है कि जब हम 22/7 को भाग दे के देखेंगे, आप सभी देखिएगा कैलकुलेटर में भाग दे करके 22/7 को, तो उसका जो नंबर आता है 3.14287 इस तरह से डॉट डॉट करते हुए चला जाता है और ये कभी रिपीट नहीं होता है। तो जब ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग है, इस वजह से ही इसको रखा गया है किसमें, अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या ही क्या होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या जैसे एग्जाम में कभी पूछ ले नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स क्या हैं, तो वो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स हैं। रेशनल और इरेशनल के बाद, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बाद आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, समस्त समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। जितने भी रियल नंबर होंगे
वो क्या होंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बनेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने रेशनल में जो देखा था यानी कि पी बटे क्यू के रूप में, जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और इरेशनल में हमने देखा था जैसे कि रूट थ्री, रूट फाइव, पाई, ये सब इरेशनल थे। तो इन सबको मिला दिया जाएगा तो ये मिलके क्या बनेगा, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या बनेगी। तो ये सारे जीरो, माइनस वन, पाई, रूट थ्री, 1/3, जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं वो सब वास्तविक संख्या, रियल नंबर होंगी। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर, संख्याएं जिसे सही प्रकार से हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिभाषित, वे संख्याएं जिन्हें हम सही प्रकार से परिभाषित नहीं कर सकते हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, एक कल्पना में होती हैं कि ऐसा नंबर होता है, बट वो उसको तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ना, कल्पना जिसकी की जा सकती है उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नंबर जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं वो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याओं में क्या आता है, अंडर रूट के अंदर -2, ठीक है ना, वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, -√3, संख्या ऋणात्मक में आएंगी करनी के अंदर, तो उन्हें हम संख्याओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं करणीगत ऋणात्मक होती हैं, इसे 2i, 3i, 5i भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि i का मान क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है, i का मान क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है, इसलिए हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2i, इसको अंडर रूट -2 को 2i, अंडर रूट में -3 को 3i। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद सम संख्या देखिए, ये सब आपको पता ही होगा, सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, वो संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, वो संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, दो होगी, जैसे कि 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर जितनी भी दो से विभाजित हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी, वो सब सम संख्या के अंतर्गत रखी जाती हैं। दो से हमने दो को विभक्त किया तो क्या आ गया, एक आ गया, कट गया ना, तो दो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। ठीक, विषम संख्या की, ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, तो वह प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। देखिए दो तरह की संख्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या। तो जो संख्या दो से विभक्त हो जाएंगी वो सम संख्या, जो संख्या दो से विभक्त नहीं होगी वो विषम संख्या कहलाएगी, जैसे कि 3, 5, 7, 9। ठीक है, वह संख्या, और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, वह प्राकृतिक संख्या जो दो से विभक्त ना हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे यानी कि ऑड नंबर कहेंगे, जैसे कि 3, 5, 7, 9, ये सब दो से विभाजित नहीं हो रही है तो ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक, अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है यानी कि डिविजिबल नंबर क्या होता है। ठीक है, अच्छे समझिएगा, बस सारे नंबर्स कंप्लीट हो जाएं इसके बाद आज का वीडियो फिनिश हो जाएगा, वीडियो को कभी लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, अप्राकृतिक संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, वह प्राकृतिक संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या क्या मतलब, जैसे 4 है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 1, 2, 4, किससे किससे 4 जाएगा, कोई भी नंबर होता है वो 1 से तो विभक्त हो गई होगा, 4 सम संख्या है इसलिए ये 2 से विभक्त हो रहा है और 4 खुद से भी विभक्त हो रहा है, तो इसके कम से कम कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, 1, 2, 4। अच्छा देख लीजिए गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड का मतलब वो होता है जैसे कि जितने नंबर से ये विभक्त हो जाएगा, कोई संख्या जितने भी नंबर से विभक्त होती है वो सारे नंबर्स उसके क्या होते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो 4 किससे किससे विभक्त हो रही है, 1 से विभक्त हो रही है, 2 से विभक्त हो रही है, 4 से खुद से विभक्त हो रही है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाज्य संख्या की, डिविजिबल नंबर की, कि वह प्राकृतिक संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है, तो 4 भाज्य संख्या है। इसके बाद 6 को देखते हैं, 6 भी भाज्य संख्या है, 1 किससे किससे विभक्त होती है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। ठीक है, 9 को फिर देख लीजिए, 9 भी होती है, 1 से, 3 से, 9 से, तो इसके भी 3 गुणनखंड मिल गए तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे है सबसे छोटी भाज्य संख्या जैसा कि हमने आपको बताया 4 होती है, क्यों, 2 को अगर हम लेंगे 2 का कितना गुणनखंड होगा, 1 होगा, 2 होगा,
फिर तीन को लेंगे, उसका कितना गुणनखंड होगा? एक होगा और तीन होगा, यानी कि इसके भी दो गुणनखंड। जब हम चार पे पहुंचेंगे तभी चार के तीन गुणनखंड होते हैं, इसलिए चार क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके आगे देखिए, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर वह संख्या जो सिर्फ एक से और खुद अपनी वही संख्या से विभक्त हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। एक चीज़ और इसका इम्पोर्टेंट है बहुत, अभाज्य संख्या वो होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड ही पॉसिबल हो। ठीक है, जिसका केवल दो गुणनखंड संभव होगा वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि खुद एक गुणनखंड एक हो गया और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा? खुद वही संख्या। तो किसी भी संख्या जिसका दो गुणनखंड ही केवल पॉसिबल हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। दो का गुणनखंड देखेंगे तो एक से जाएगा, दो से जाएगा। 11 का देखिए, उसको कौन कौन विभक्त कर सकता है? एक विभक्त करेगा और 11 विभक्त करेगा। तो वो संख्याएं जो केवल खुद से और एक से विभक्त होंगी वो संख्या कहलाएंगी प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। ठीक, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। दो एकमात्र सम अभाज्य यानी कि इवन अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होती है? सिर्फ दो होता है, इसके अलावा कोई भी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड होंगे। देखिए, दो के अलावा जितने भी आएंगे सब ऑड होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे चार ले लिया या छः ले लिया, ठीक है, तो छः किससे किससे हो रहा है? एक से होगा, तीन से होगा, दो से होगा, फिर छः से होगा, तो इसके गुणनखंड तो बहुत ढेर सारे मिल गए ना। ये भाज्य संख्या होगी, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी यही है कि उसके सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए, एक और वह संख्या खुद। ठीक, हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जैसे कि आज पहला वीडियो है मैथ्स का सीरीज़ है, तो आपको जो भी चीज़ कमी लग रही हो या फिर जो अच्छा लग रहा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाने की हमें मोटिवेशन मिले। आज से स्टार्ट हुआ है तो जो भी कमियाँ होंगी उसको थोड़ा बताइएगा, और जितना बेहतरीन वीडियो हम बना सकते हैं उसके लिए बताइएगा कि क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा और किया जा सकता है। आज तो ये नंबर्स की बात हो रही है जिसमें कि लास्ट नंबर है कोप्राइम, इसको बता करके नंबर्स फिनिश हो जाएंगे आपके। इसको आप देखिएगा, आपको नंबर्स से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। ठीक है, तो चलिए लास्ट देख लेते हैं। कोप्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक हो, वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्या वो होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके बीच का जो मासा है वो एक होगा। ठीक, जैसे कि दो पाँच, इनके बीच का मासा क्या होगा? एक होगा। तीन पाँच, एक मासा है। चार और नौ, ये दोनों विभक्त नहीं हो रहे ना एक दूसरे से, विभक्त नहीं हो रहे हैं, मतलब ये दोनों किस नंबर से विभक्त हो रहे हैं? सिर्फ एक से विभक्त हो रहे हैं, तो एक ही इनका मासा है। किसी और से विभक्त होते हैं अगर वो, तो उनका मासा दूसरा हो जाता। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए दो और छः, ठीक है, इसका मासा क्या हो जाएगा? दो होगा। क्यों? क्योंकि दो भी दो से विभक्त है, छः भी दो से विभक्त हो रहा है, तो इसका मासा दो आएगा। तो मासा वही होता है कि जो नंबर, जैसे कि जितने लिखे हुए हैं ये दोनों नंबर हैं किससे किससे विभक्त हो रहे हैं। तो ये चार है, ये नौ है, ये इवन है, ये ऑड है, तो इनका मासा क्या है? एक ही है, एक से विभक्त हो रहे हैं, तो को प्राइम नंबर हो गए, सह अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, 15, 11, ये भी सिर्फ एक से विभक्त होंगे, तो ये भी कैसे हो गए? सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। एक नोट लिखा हुआ है, देख लीजिए, क्रमागत संख्या का युग्म सदैव सह अभाज्य यानी कि को प्राइम होगा। रिपीटेड नंबर्स जैसे कि एक दो, ये को प्राइम नंबर होंगे हमेशा। दो तीन को प्राइम, 4 5 को प्राइम्स, ये हमेशा कैसे होंगे? को प्राइम्स होंगे, सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 25 26 हमेशा सह अभाज्य होगी, मतलब क्रमागत संख्याओं का युग्म जो लिया जाएगा क्रमागत संख्याएं का, तो वो हमेशा कैसी होगी? को प्राइम होगी, यानी कि सह अभाज्य संख्या होगी। इंपॉर्टेंट एक चीज़ देख लीजिए, सम संख्या जो बताया, विषम संख्या बताई, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये सभी धनात्मक जब होंगी तो इन्हीं से सारी से मिल करके बननी होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक
यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो इन्हीं सबसे मिलकर बनी होती है। हाँ, एक चीज़ है, धनात्मक होनी चाहिए सभी, ऋणात्मक में प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक में हमारा होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स पे नहीं, हमने बात की है प्राकृतिक संख्या की, तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एटलीस्ट सभी को आज से बता दीजिए कि आज से मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट हो गई है, और जिसको भी पूरा बेसिक से सीखना हो तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिसको मैथमेटिक्स आती है उसके लिए भी वीडियो अच्छा होगा, क्योंकि उसको रिवीजन करने को मिलेगा, और रिवीजन के साथ ही साथ बहुत सी ऐसी ट्रिक्स लेकर के आएंगे जो आपके लिए एकदम नई होगी, बहुत इजी होंगी, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। एक ही सेकेंड में, 2 सेकेंड में, जैसे कि जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वीडियो को देखते देखते, और हम लोग इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।